सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या कर, सब धर्मों को त्याग दे। अच्छा, सब धर्मों को त्यागने वाले उन धर्मों के धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे हैं, उनको भी त्यागेंगे। ये देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली, उनको भी ज्ञान सुना करके ज्ञान की गोली बरसाएंगे, डरने वाले नहीं होंगे। बाप के बच्चे ज्ञान की गोली सुनाने में डरेंगे धर्म पिताओं से, धर्म गुरुओं से नहीं। और ये भी बता दें कि वो धर्म गुरु बाहर की दुनिया में ही नहीं होते हैं, 500-700 करोड़ की दुनिया में, ब्राह्मणों की जो आधार मूर्तों की दुनिया है बेसिक नॉलेज में, वहां भी देहधारी धर्मगुरु भरे पड़े हैं। एक एक मनुष्य मात्र देहधारी धर्मगुरु है, ब्रह्मा भी देहधारी धर्मगुरु है या नहीं है, वो भी देहधारी धर्मगुरु, वो आधार मूर्त जड़ों के रूप में, और उन जड़ों को भी पैदा करने वाले कौन होते हैं, बीज होते हैं। वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में भी देहधारी धर्मगुरु भरे पड़े हैं। इसलिए बोला ब्रह्मा कुमार या कुमारियों की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है कि वो मत राइट है या रंग है। कैसे जज करेंगे, मुरली से टैली करना है, क्योंकि स्पष्ट बता दिया बच्चों को कि धूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देती हैं। किसी के बारे में झूठी बात सुना दी, ग्लानी की बात सुना दी, तो उसके प्रति दिल खराब होगा या नहीं होगा? खास करके दिल खराब होता है भारतवासियों का, क्या सुनी सुनाई बातों के आधार पर। भारतवर्ष जो मातृ देश है वो भारतवासियों का दिल खराब क्यों होता है? जो बोला, भारतवासियों ने खास सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। हा? किसने दुर्गति पाई? भारतवासी। जिस भारत को मातृ देश कहा जाता है, पितृ देश नहीं, भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। क्यों पिता क्यों नहीं कहा जाता? अरे कोई कारण चाहिए या नहीं चाहिए है? अरे दुनिया में भी देखो, माताएं ज्यादा प्रभावित होती हैं या पिताएं ज्यादा प्रभावित होते हैं सुनी सुनाई बातों से? बातें सुनना और बातें सुनाना ये माताओं में ज्यादा चलता है या पिताओं में ज्यादा चलता है? माताओं में ज्यादा चलता है। परंपरा कहां से शुरू होती है? परंपरा संगम युग से शुरू होती है। चाहे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया हो और चाहे ब्राह्मण बीज रूप आत्माओं की सगीर बच्चों की दुनिया हो, समझदार बच्चों की दुनिया, उसमें माताएं कन्याएं भी हैं और भाई भी हैं। भाइयों को तो अपने धंधे दोरी से ही फुर्सत नहीं, और माताएं कन्याएं थोड़ा सा काम है गृहस्थी का पूरा किया, बस दो चार बैठ गई, बस लेन देन शुरू। अच्छा, ज्यादा सुनी सुनाई बातों के चक्कर में आएंगे तो पुरुष नीचे ज्यादा गिरेंगे या माताएं ज्यादा नीचे गिरेंगी? और वैसे भी रिजल्ट देख लो, भारत की माताएं ज्यादा नीचे गिरी हैं या पुरुष ज्यादा नीचे गिरे हैं? हैं?
अभी क्या भारतवर्ष में देखने में आता है, माताएं बहुत नीचे गिर गई। माताओं के हाथ में कोई सत्ता नहीं रही, तन की भी सत्ता नहीं, मन की भी सत्ता नहीं, सारी ताकत बच्चे खींच ले जाते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सारी ताकत गई और पुरुष वर्ग माताओं कन्याओं के हाथ में धन की सत्ता भी नहीं रहने देते, रहने देते नहीं, रहने देते। तो देखो ये सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासियों ने दुर्गति सबसे जास्ती पाई। अब एक नियम बता दिया, उस नियम को चाहे ब्रॉड ड्रामा में फॉलो करें चाहे संगम युग में फॉलो करें। संगम में विशेष अलर्ट रहने की बात है, क्योंकि यहां जैसी शूटिंग करेंगे 84 जन्मों में वैसा ही ड्रामा बन जाएगा। तो खास यहां किस बात पर ध्यान देना है, कोई भी देहधारी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास पक्का पक्का तुरंत नहीं कर लेना है। एक एक बात को बाबा की वाणी से जज करना है, वो बात राइट है या रंग है। तो बताया ये ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान माने जानकारी पहचान, अपनी आत्मा की पहचान कि हम आत्मा कौन से वर्ग की आत्मा है, पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्मा है या चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्ध वंशी है, कहां जाकर के विशेष पार्ट बजाने वाले हैं। पक्की पहचान हुई या नहीं हुई है, फलक से नहीं कहा हुई, क्योंकि जानते हैं कि अंदर अंदर बाप के ऊपर कुछ न कुछ निश्चय आता जरूर रहता है। खुद के अंदर से खुद खुद ना आए तो कम से कम दूसरी आत्माएं अनिश्चय दिलाती रहती, उन सुनी सुनी बातों पर बीच बीच में विश्वास कायम होता रहता है। तो मुख्य बात है ज्ञान की, पहचान की, जानकारी की, और वो जानकारी भी पहले पहले कहां से मिलती है, है? बाप से मिलती है, सबको बाप से मिलती है, है? जो भी बाप के बच्चे हैं उन बच्चों को जानकारी डायरेक्ट बाप से मिलती है या सूर्यवंशी बच्चों से भी मिलती है, है? ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट मिलती है या सूर्यवंशी बच्चों से भी मिलती है, है? सूर्यवंशी बच्चों से भी मिलती है। सूर्यवंशी बच्चों से जानकारी लेने वाले की संख्या ज्यादा है या डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से जानकारी लेने वालों की संख्या ज्यादा है, है? है? सूर्यवंशी बच्चों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से ज्ञान लिया है। अभी क्या है, है? अभी औरों से सुन करके ज्यादा लेते हैं या ज्ञान सूर्य से ही सुन करके ज्यादा लेते हैं, है? ज्ञान सूर्य से ही सुन करके ज्यादा लेते हैं, माने सीढ़ी चढ़ रहे हैं। क्या सीढ़ी चढ़ रहे हैं? तो सीढ़ी जो चढ़ने वाले हैं उनकी चाल चलने की है
दौड़ने की है, उड़ने की है या हाई जंप लगाने की है? हैं? कहां तक बाप के नजदीक पहुंचे हैं? क्योंकि जो जास्ती नजदीक होंगे वो जास्ती लेन देन करेंगे डायरेक्ट, या जो दूर होंगे वो जास्ती लेन देन करेंगे? हैं? नजदीक वाले जास्ती करेंगे, उसको कहते हैं उपासक। जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनमें ये बातें आई हैं कि गुरुओं के नजदीक आसन मार करके जो शिष्य बैठते हैं वो ज्यादा होशियार विद्वान हो गए, उनको कहते हैं उपासक। उप माने नजदीक, आसक माने आसन मार करके बैठने वाले, और वो उपासना भी दो प्रकार से होती है। ऐसे नहीं कि सरेंडर हो गए, बाप के घर मधुवन में जाकर बैठ गए, वो नजदीक वाले हो गए, बाकी दूर वाले हो गए। मुख्य बात बुद्धि से नजदीक रहने की है या तन से नजदीक रहने की है? मधुबन में बैठ गए लेकिन बुद्धि मन बाहर की दुनिया में, माता पिता या कोई भी संबंधी या कोई भी नजदीकी संबंध में इस जन्म में आने वाले याद आते रहते हैं। तो बाप के नजदीक हुए या दूर हो गए? दूर हो गए। और जो दूर हैं, सरेंडर्ड नहीं है, बाप के मधुबन घर में नहीं बैठे हुए, लेकिन मन बुद्धि की लगन काम करते भी वहीं लगी हुई है। क्या? जो इंद्रियां जन्म जन्मांतर की बहुत बुद्धि को खींचने वाली हैं, यहां तक खींच मचाती है कि स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता और पुरुष को स्त्री का जन्म मिल जाता, ऐसी इंद्रियों की मार खाते हुए भी बुद्धि उनकी कहां चली जाती है? है? मार मारने वालों के पास रहती है या बाप के पास चली जाती है? ऐसों की संख्या जो बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? माताएं, पिताएं, कुमार या कुमारियां? माताओं में भी सब माताएं नहीं, जो उन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहती हैं, अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाता है, ये देहधारी हमको सुख नहीं दे सकता, इनसे जीवन भर हमको दुख ही मिला है, तो उसकी याद में रहती है या बाप की याद में रहती है? उन माताओं को क्या कहते हैं? अरे, बांधेली माताएं। सबसे जास्ती याद किसको आती है? अधर कुमारियों को आती है, कुमारियों को आती है, कुमारों को आती है, अधर कुमारों को आती है या बांधेली माताओं को याद आती है? तो देखो, शरीर से दूर हैं, नजदीक आने की संभावना भी नहीं मिलती,
परमिशन लेटर भी नहीं मिलता, इतनी दबाई हुई है धन से, तन से, मन से इतनी दबाई हुई है कि वो अपोजिशन भी नहीं कर सकती, जो कोर्ट में जाकर के गुहार लगा सके। उनके साथ उनके पास कौन सी ताकत रह जाती है? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसी माताएं कन्याएं भी यज्ञ के आदि में भी हुई थी, जिन्हें जब आदि में धोबी घाट को लेकर के बवंडर मचा था, सिंधी समाज में खास करके सिंधियों के बड़े बड़े साहूकारों के बीच में, और उन्होंने एनटीएम मंडली के रूप में जिहाद पैदा कर दिया। और वो कन्याएं माताएं कोई कोई तो छह छह सात सात तालों के अंदर बंद कर दी गई। तो बंद करने वाले सफल हो गए क्या? नहीं। हो गए नहीं। बाप कहते हैं विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। किन बच्चों का है? तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी बीच में लगातार तुम्हारी हार हो रही है, समाज के बीच में हार हो रही है, संबंधियों के बीच में हार हो रही है, सरकारी तबकों वालों के बीच में हार हो रही है। अपने तन के जो हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताबों के बीच में रहते हुए या तुम्हारी हार हो रही है, लेकिन अंतिम बच्चे तुम बच्चों की ही विजय होगी। तो क्या हुआ था आदि में? हाँ, 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जोर से झगड़ा शुरू हो गया, खून की नदियां बह गईं, और जिन्होंने छह छह सात सात तालों के अंदर बंद करके रखा था, बहुत प्यार दिखाया था, उनकी पोल पट्टी खुल गई, वो छोड़ छाड़ करके भाग खड़े हुए। न बच्चों की याद रही, न बीवी की याद रही, न बहन की याद रही, न बेटी की याद रही, अपनी अपनी जान लेकर के भाग खड़े हुए। और उन कन्याओं माताओं को छुटकारा मिल गया। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होना है। इसलिए जो ज्ञान मिला है, जो जानकारी मिली है, जो वेद के महावाक्य मिले हुए हैं, कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकले थे। कहां से? मुख से, गोद से नहीं, मुख से निकले हुए इन वेद वाक्यों को जिन मुखवंशावली ब्राह्मणों ने धारण किया, वो मुखवंशावली ब्राह्मण इतने दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं कि चाहे कितनी भी बीच में हार होती रहे, जब तक युद्ध का अंतिम रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल पेपर का अंतिम रिजल्ट नहीं आता है, तब तक वो युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे बच्चों को बाप प्रेफर करते हैं अपनी रूहानी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए। दुनिया के जितने भी देश हैं, सबसे जास्ती अपने अपने देश में कौन से डिपार्टमेंट में खर्च किया जाता है? है? मिलिट्री में। तो ये भी रूहानी मिलिट्री है।
कहने को तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं रूह हैं, लेकिन सभी रूह एनिमल एंट्री में नहीं दाखिल की जाती। कितनी दाखिल की जाएंगी है, कितनी संख्या है? सिर्फ है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख जो रूह एनिमल एंट्री है, उसमें छोटे से छोटे लेकर सिपाहियों से लेकर के ऊंचे से ऊंचे तबके हैं, और उस मिलिट्री के संगठन में एक ये खास बात है, जो खास बात और किसी डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। बताओ कौन सी खास बात? हाँ, जो अपने से ऊंचा ऑफिसर बोलेगा, उसके अंडर में काम करने वाले सबको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। सबसे ऊंचा ऑफिसर जिसे कहते हैं मार्शल ला लागू करता है, उस मार्शल का जो ऑर्डर निकलेगा वो 4.5 लाख को फॉलो करना पड़े या नहीं करना पड़े? करना पड़े। आज स्टेज क्या है? आज ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? जो अपन को रूहानी मिलिट्री कहते हैं, है? आज कोई अपने से बड़ा ऑफिसर दूसरे को मानने के लिए तैयार है? है? नहीं तैयार। तो रूहानी मिलिट्री कहें या कमजोर से कमजोर संगठन कहें, है? कैसा संगठन है? कमजोर संगठन है। रूहानी मिलिट्री अभी नहीं बनी है, और भारत में तो हालत बहुत ही खराब है। फिर भी भारत देश में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए देखा जाए तो सबसे जास्ती प्रेफरेंस कौन से डिपार्टमेंट को दिया जाता है? है? मिलिट्री को दिया जाता है। अभी भी उस मिलिट्री डिपार्टमेंट में आज भी संख्या बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है? क्यों? संगठन मजबूत करना है। आज तो वाइब्रेशन के आधार पर संगठन बनता है, एटमिक एनर्जी के आधार पर पावर बढ़ती है, या मनुष्यों का हुजूम इकट्ठा करने से पावर बढ़ती है? है? हाँ, वाइब्रेशन का संगठन अरे एक जैसा होगा तो वो बम्ब का काम करेगा। सबसे बड़े से बड़ा बम्ब कौन सा है? है? परमात्म प्रत्यक्षता बम। और उस परमात्मा बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? है? हाँ जी, बुरुआनी मिलिट्री प्रत्यक्ष करेगी। पाकिस्तानियों के ऊपर जो अपन को समझते हैं हम बड़े पाक हैं, हमारा जो स्थान देश है वो बहुत पाक साफ है, हम बहुत पवित्र हैं, और बाकी ये हिंदुस्तान के तो काफिर हैं। काफिर, काफिर का मतलब क्या है?
काफिर का मतलब ये कहां कहां फिरते रहते हैं। आज हिंदू हैं कल मुसलमान बन जाते, आज हिंदू हैं कल क्रिश्चियन बन जाते, आज हिंदू हैं कल बौद्ध भी बन गए, आज हिंदू हैं कल मुस्लिम बन गए, आज हिंदू थे कल सन्यासी बन गए, आज सिख थे हिंदू थे कल सिख बन गए। जन्म जन्मांतर हिंदू रहे, फिर जहां देखा नया धर्म चालू हुआ, नए धर्म में पुराण खंडियों की बहुत भर्त्सना की गई, बहुत ग्लानी की गई, बस उस ग्लानी वाली पार्टी को ही अपना लिया। जन्म जन्मांतर और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। उनका धर्म यह है, कोई धर्म सच्चा नहीं, न देवी देवता धर्म वाले जो हिंदू बन गए, न इब्राहिम का इस्लाम धर्म, न बौद्ध धर्म, न क्रिश्चियन धर्म, सब धर्मों को लात मारते गए और अंत में आकर के भारत में जन्म लिया तो अपना राज्य अलग बना के बैठ गए। राज्य की क्या खासियत बताई? धर्म निरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य? धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे देवता हो, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, सब धर्म झूठे। हाँ, किसी को मानना हो तो कोई भी धर्म मानो, लेकिन हमको वोट दे दो, हमें तुम्हारे धर्म से कोई गुरेज नहीं। तो ऐसे भी हैं यहाँ भारतवर्ष में, उनकी संख्या सबसे जास्ती है और बीज रूपात्माओं में भी उनकी संख्या जास्ती है, आधार मूर्त बेसिक वालों में भी उनकी संख्या जास्ती है। अभी बाप कहते हैं ये सब अलग अलग धर्मों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, असली मेरा डिपार्टमेंट मेरे बच्चों का है। क्या? कौन सा नाम है? रूहानी मिलिट्री। इस रूहानी मिलिट्री में राजधानी स्थापन होगी तो पहले पहले कितने निकलेंगे? हैं? 4.5 लाख निकल पड़ेंगे, पूरी राजधानी पहले ही स्थापन हो जाएगी एक सेकंड में। हैं? 8 ही निकलेंगे, जो 8 निकलेंगे वो राजधानी के पक्के 100% रिंग रूट होंगे या कमजोरी वाले होंगे? हैं? पक्के रंग रूट 8 होंगे। कैसे रंग रूट? जो मार्शल को आदि से लेकर के अंतिम 84वें जन्म तक पूरा सहयोग देने के लिए बंधे हुए, कभी भी धोखा देने वाले नहीं होंगे, ऐसी पक्की आत्माओं की राजधानी स्थापन होगी। परंतु ये नियम है, जो नीचे नहीं गिरता वो ऊंचा भी नहीं उड़ सकता। तो ये 8 को भी माया छोड़ती नहीं है, माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, एक बाप के अलावा। और कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको माया छोड़ दे, सब के ऊपर जीत पाती है। एक बाप से भी पूरी लड़ाई लड़ती है। क्या? कैसी लड़ाई लड़ती है? जो बाप के 3 बच्चे कहे जाते हैं ऊंचे से ऊंचे देवता, त्रिदेव शिव कहा जाता है, उन 3 देवताओं की भी कोई हालत गिराने में कसर नहीं छोड़ती।
क्या आज भी माताएं गीत गाती हैं गांव में, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, बोलो उसकी भी छोड़ी नहीं लेकिन मार नहीं सके। अब बताओ ये दाढ़ी मूछ किस बात की निशानी है? देवान की निशानी है। देवान में भी क्या माताओं को देवान नहीं होती है? उनको दाढ़ी मूछ होती है? हैं? अगर है देवान की ही निशानी दाढ़ी मूछ है तो माताओं को भी होनी चाहिए, कन्याओं को भी होनी चाहिए, होती है। फिर ये दाढ़ी मूछ निशानी है विकारी इंद्रिय की, कहे की पुरुष इंद्रिय की। ये दाढ़ी मूछ जो पुरुष इंद्रिय है उस इंद्रियों को भी जो पूजी जाती है भारतवर्ष में, कौन सी कर्म इंद्रिय भारतवर्ष में पूजी जाती है? हैं? और दुनिया में सबसे जास्ती उसकी यादगारें मिली है, कौन सी यादगार? लिंग यादगार। जो बाप कहते हैं मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता, और मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, ऐसे कहते हैं ना, हस्त कमल, पाद कमल। तो कमल के रूप में, किंग फ्लावर के रूप में उसकी पूजा होती है, लेकिन मेरा जो लिंग रूप पूजा जाता है उसका कारण क्या है? उस लिंग रूप साकार ने, जो बड़ा रूप है मेरा, उसने विकारों पर विजय पाई है। किस आधार पर विजय पाई है? भोग के आधार पर विजय पाई या योग के आधार पर विजय पाई? उसका नाम ही है राजयोग। ऐसा राजयोग सिखाता हूँ जो तुम्हारी सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाती है, उनमें भी खास वो इंद्रिय जो स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष का जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है, वो भी कंट्रोल्ड करके जाता हूं। लेकिन उस इंद्रिय का भी नाम क्या पड़ता है? शिवलिंग या शंकरलिंग? शिवलिंग क्यों कहते हैं? शिव तो निराकार है, उसको तो शरीर है ही नहीं, उसको तो शरीर की इंद्रियां ही नहीं है, तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करता हूं वो शरीर ही लिंग के समान बुद्धि योग से नाक, आंख, कान, हाथ, पांव आदि कर्म इंद्रियों से परे है। वो कर्म इंद्रियां उसमें दिखाई जाती है क्या? ज्ञान इंद्रियां दिखाई जाती है क्या? माने उसको इंद्रियां होती नहीं है क्या? होती हैं, लेकिन वो आत्मा की ऐसी स्टेज दिखाई गई। कैसी स्टेज? उस आत्मा को मन बुद्धि में वो इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, एक निराकार ज्योतिबिंदु की अखंड स्मृति। ऐसी स्मृति जब रहती है तो मन जो ग्यारहवीं इंद्रिय है वो इंद्रियों का भोग नहीं ले पाता। इसलिए भोगी आत्मा हुई या अभोक्ता हुई, अभोक्ता दो आत्माएं होती हैं या एक होती है? हैं? दो होती है, एक होती है, दो नहीं होती,
अरे दो नहीं होती, अगर दो नहीं होती तो पूजी क्यों जाती? बिंदु की पूजा होती है क्या? होती है, बिंदु की तो पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है, बड़े रूप की या छोटे रूप की? बड़े रूप की पूजा होती है। मूर्तियां बड़ी बड़ी हैं या छोटी हैं? मूर्तियां तो बिंदु नहीं है, वो मूर्तियों की पूजा होती है। पूजा सदैव बड़े रूप की होती है, चाहे जगदम्बा का कितना भी छोटी मूर्ति बनाए, लेकिन बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। इसलिए ये बिंदु रूप जो है वो याद किया जा सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं हो। लेकिन पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है पवित्रता। माने वो जो लिंग रूप बड़ा रूप है, उसने क्या पुरुषार्थ किया है? क्या पवित्रता का है? पवित्रता का ये पुरुषार्थ किया कि हर हालात में, हर स्टेज में जो स्टेज कही जाती है यादगार मानी जाती है। काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन से इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और भारतीय शास्त्रों में शंकर को दिखाते भी हैं, किसको दहन किया? काम विकार को जलाया, काम विकार को भस्मीभूत किया। इस आधार पर, हाँ, राजयोग के आधार पर, वो राजयोग के आधार पर काम विकार का भस्म करना, ये कोई बच्चे का काम नहीं है। जो भारतवासी कृष्ण को भगवान मानते हैं बच्चे के रूप में, कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में करते हैं या बड़े रूप में करते हैं? है? बच्चे के रूप में करते हैं। वो बच्चा बुद्धि कभी भी राजयोगी नहीं हो सकता, वो इस राज की बात को समझ नहीं सकता। ऐसे ही 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में जो 8-9 धर्म है, नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं संगम युग में, वो नीची कुरी के ब्राह्मण बनने वाले बच्चा बुद्धि हैं या सालिम बुद्धि हैं? बच्चा बुद्धि है। पूरे 84 जन्म लेने वाली वो आत्माएं नहीं है, कमजोर बुद्धि वाली मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं। तो बच्चा बुद्धि होने के कारण इसे गहराई को समझ नहीं सकती। तो तुम बच्चे नंबर बार उस राजयोग की गहराई को समझने वाले हो। इसलिए जब द्वापर युग में यज्ञ रचे जाते थे, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते थे, रुद्र यज्ञ रचते थे, उनमें लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते थे, लिंग मूर्तियां बनाते थे या मूर्तियां बनाते थे या शालिग्राम बनाते थे? शालिग्राम बनाते। ये शालिग्राम तुम बच्चों की निराकारी स्टेज की यादगार है। ऐसी निराकारी स्टेज जिस स्टेज में तुम देह की याद से परे हो जाते, देह की इंद्रियों से परे होने की स्टेज को ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। ऐसी स्टेज में जब एक बार स्टेज में स्थित हो जावेंगे तो उसको कहा जाएगा अतीन्द्रिय सुख लेने वाले, इंद्रियों से अतीत का सुख लेने वाले। इंद्रियों का सुख क्षण भंगुर हो सकता है। क्या
कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी देह अभिमानी हो, 5-10 मिनट से जास्ती इंद्रिय का सुख नहीं ले पाता। और यह अतीन्द्र सुख कैसा है, एक बार आरंभ हो गया तो 2500 वर्ष तक लगातार अनुभव करते रहना, ऐसा अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। और वो इंद्रियों से अतीत का सुख तभी ले सकते हैं जब पक्के राजयोगी बने, और पक्के राजयोग भी वो ही बन सकते हैं जो पक्के ज्ञानी बनेंगे। अपनी आत्मा, आत्मा की जो पूजा होती है संपन्न रूप में, इस रूप में पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम में और लिंग में क्या अंतर देखने में आता है? हाँ, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो बिंदु बिंदु एक ही जैसी, परंतु आत्मा में जो शक्ति है, आत्मा में जो गुण हैं, वो नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार शक्तियां धारण करने वाली आत्माएं, नंबरवार गुणों को धारण करने वाली आत्माएं जो बीज रूप में दिखाई जाती हैं, वो शालिग्राम कही जाती है, शाली चावल को कहा जाता है। क्या? शाली माने चावल और ग्राम माने समूह, चावलों का समूह। जब तिलक लगाते हैं आत्मा की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में विजय का तिलक लगाते हैं तो चावलों का समूह मस्तक पर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक एक बीज रूप आत्माओं के अंदर ढेर के ढेर आधार मूर्त हैं। उन आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं के पीछे पीछे ढेर के ढेर दूसरे धर्मों की आत्माओं की लाइन लगी हुई है। नहीं समझ में आया? ये सारी दुनिया उन बीज रूप बापों की औलाद हैं, जिनको वो अंत तक, अंतिम जन्म तक फॉलो करती है। तो ऐसी बीज रूप आत्माओं का संगठन शालिग्राम के रूप में दिखाया जाता है। उनमें देह अभिमान का छिलका नहीं होता। चावलों में छिलका होता है, है? जब छिलका होता है तो क्या कहते हैं, है? धान्य, उसे धान कहा जाता है, चावल नहीं कहा जाता। तो ये जो शालिग्राम है वो टोटल उनकी तादाद कितनी है, जिनकी भक्ति मार्ग में पूजा भी दिखाते हैं, उनका बनाना भी दिखाते हैं। छोटा सेठ होगा, रुद्रयज्ञ रचेगा तो 1-2 लाख बनाएगा, बहुत बड़ा साहूकार होगा तो रुद्रयज्ञ रचेगा तो कितने ब्राह्मणों को लगाएगा शालिग्राम बनाने के लिए, और कितने शालिग्राम बनाएगा? लाखों की तादाद। इस 4.5 लाख शालिग्राम हैं जो बाप की रूहानी मिलिट्री में शामिल होते हैं। ये मिलिट्री पूरी तैयार हुई तो ऐसी मिलिट्री है जो सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। कब, कौन से जन्म में है? है 21 जन्म में तो सारी दुनिया होती नहीं। हाँ, इसी संगम युग में 500-700 करोड़ की सारी दुनिया कंट्रोल्ड होनी है, और सारी रूहानी मिलिट्री एक के कंट्रोल में होगी। कौन है वो कंट्रोलर?
कौन से चित्र में दिखाया है? झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को नहीं दिखाया, एक शंकर को ही दिखाया है कि जब सब आत्माएं 100 संसार का संगम युग पूरा होगा तो सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके कहां जा रही हैं? अपने परमधाम वापस जा रही है। लेकिन कहां से होकर जाना पड़े है? बाप को सलाम करके जाना पड़े। किसकी याद में जाना पड़े? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं निराकार ज्योति बिंदु की याद में जाएंगी, उनके लिए सहज होगा या वो कठिन है काम है? निराकार को याद करना बहुत कठिन है। उस निराकार को याद करने वाले, नंबर वार याद करने वाले सिर्फ 9-10 धर्म पिताएं निकलते हैं। सूर्यवंश से लेकर के नास्तिक धर्म तक, अर्ध नास्तिक तक, वो ही निराकार को याद कर पाते हैं। उनमें बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन? ब्रह्मा। वो भी किसकी याद में शरीर छोड़ के गया है? निराकार की याद में शरीर छोड़ कर गया। उसने उस निराकार के साकार मुकर्रर रूप को आदि में भी नहीं पहचाना और अंत में भी नहीं पहचान पाता। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के रूप में, वो सब सहज याद करके परम धाम जाती है। कैसी सहज याद? साकार में निराकार को याद करके परम धाम जाती है, निराकारी स्टेज धारण करके जाती है। उनके बीच में भी तुम बच्चों का तो महा सौभाग्य है जिनके लिए बाप बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? नैनों पर बिठा कर, नाक पर बिठा के नहीं है तो समझो गेंडे की तरह नाक पर बैठा दूंगा, थोड़ी सी हिलेगी तुम यूं गिर पड़ोगे। नहीं, आंखों पर कैसे बैठाएंगे? आंखें तो बहुत छोटी और बच्चे तो नंबर बार बहुत छोटे बड़े, कैसे बैठाएंगे हैं? हाँ, बोला है अंत में तुम बच्चों को ऐसी पावरफुल दृष्टि दूंगा कि तुम बच्चे देवान में टिक नहीं सकेंगे, ऑटोमेटिक देवान छूट जाएगा। ऐसी स्नेह की याद में डूब जाएंगे। याद किसे कहते हैं? याद माने क्या? याद किसकी आती है? याद सुख देने वाली की आती है। याद सुख देने वाली की आती है या दुख देने वाले की याद आती है? है सुख देने वाले की याद आती है। तो इस दुनिया में सुख का सागर कहा जाता है। क्या? सुख का सागर कहा जाता है। जो सुख का सागर है वो कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता है। जिस रूप में भी बच्चों से मिलता है, कोई भी रूप से मिलता है, कोई भी संबंध से मिलता है, हर संबंध से सुख ही सुख अंत में साबित होगा, दुख देने वाला साबित नहीं हो सकता। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। कैसा कल्याणकारी? शिव माना ही कल्याणकारी। सदाशिव माना सदा का कल्याणकारी।
कभी भी किसी रूप में किसी स्थान पर कोई भी समय में कोई भी बच्चों का अकल्याणकारी नहीं हो सकता। अरे अपने बच्चों का अकल्याणकारी तो क्या जो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे बन जाते हैं, बाप को धोखा दे जाते, भारत को धोखा दे जाते, ऐसे बच्चों का भी अकल्याणकारी वो बनने वाला नहीं है। तो देखो ऐसे बाप को प्रैक्टिकल रूप में तुम बच्चे याद करते हो, सारी दुनिया याद करती है कि इम्प्रैक्टिकल रूप में याद करते हो? है प्रैक्टिकल में रूप में याद करते हो। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर के साथ, शरीर है तो प्रैक्टिकल है, शरीर ही नहीं तो प्रैक्टिकल भी नहीं। ओ